टू बॉलीवुड क्रंच, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का फुल टू मसाला। शुरुआत करेंगे सिक्स्थ एडिशन ऑफ द आर्टिस्ट अलाउड म्यूजिक अवार्ड से, जहां म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज पहुंचे। और हमने बात की शेरनी हार्डकोर से, जहां हार्डकोर ने बताया अपने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के बारे में। व्हिच एप्पल टू ऑन बोर्ड, मैंने पूरी इंडियन इंडस्ट्री को बोला था कि मैं ये कर रही हूँ, उस टाइम पे किसी ने बात नहीं सुनी। सो आई टुक 30 आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट पूरी दुनिया के, क्योंकि जब मैं कुछ कर रही थी मेरे को सिखाने वाले कम थे, और आजकल इतना टैलेंट है, तो इफ आई कैन गिव देम सम काइंड ऑफ कलेबोरेशन फ्री में, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेट्स ऑल डू अ प्रोजेक्ट टुगेदर। आर्टिस्ट अलाउड सपोर्टेड मी एंड शो ऑफ मत कर। आई जस्ट वन MTV Europe Music Awards for the one project that nobody wanted to support apart from Artists Aloud. और अब सुनते हैं शेरनी का अंदाज। शेरनी है जट्टी, बोल दिया सो बोल दिया, मैं पीछे नहीं हटी, हाथ मिला लो और तुड़ा लो फ्री में अपनी हड्डी, I'm a champion, और मैं ऐसे ही मरूंगी चाहे किसी को पसंद है या ना। रणदीप हुड्डा ने अटेंड किया मूवमेंट टू सेव द एनवायरनमेंट एंड कीप आवर सराउंडिंग्स प्लास्टिक फ्री, जहाँ रणदीप ने बताया कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। तो मैं काफ़ी सालों बाद एक स्कूल में आया हूँ, पब्लिक स्पीकिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, पर एकदम से बच्चों से बात करने से पहले मुझे बहुत नर्वसनेस फील हुई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं बहुत खुश हूँ कि सब लोग बच्चे इतने एजुकेटेड हैं, उनको आज पता है ये सब क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उसके सोल्यूशंस उनके पास हैं, एंड द एंथुजियाज्म। और मेरा ये मानना है कि आप आजकल क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया एक्टिविज्म हो रही है, लाइक कर लो, शेयर कर लो, रीट्वीट कर दो तो तुम्हारा काम हो गया, पर वो एक्चुअली में काम करता कौन है जाके। इसलिए मुझे अफरोज बहुत पसंद है और बहुत टाइम से मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, कि वो एक ऐसा इंसान है जो खुद जाके अपने हाथ से करता है, एक डिफरेंस मेक करता है, ना कि घर बैठ के हाँ कि ये किसी और का काम है, मैंने शेयर कर दिया सोशल मीडिया पे तो मेरा काम खत्म हो गया। सुनील ग्रोवर और शिल्पा शिंदे के नए शो जियो धन धना धन का हुआ प्रीव्यू, जहां हमने बात की कपिल देव से। नर्वस हूँ, एक्साइटेड तो पता नहीं, लेकिन जब इतनी बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, एक शो नया जाता है, तो थोड़ा बहुत आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आई होप लोगों को पसंद आए। दिखा दे है सुनील ग्रोवर के इस शो की कुछ झलकियां, जहां शिल्पा शिंदे अलियास गर सुगंधा ने भी दिया साथ। में दो टीमों में से एक टीम जीतेगी, फाइनल तक पहुंच गई, जो फाइनल में पहुंचेगी ना जी, उन दोनों में से कोई एक टीम। चुन्नू के पापा आ रही हूं मैं। हमारा तो कोई बच्चा ही नहीं है, तुम चुन्नू के पापा, चुन्नू के पापा क्या कर रही हो तुम? आज शाम को आप क्या कर रहे हैं? शिल्पा शिंदे से की हमने बात उनके नए शो के बारे में और उनके एक्सपीरियंस के बारे में। अलियासगर और सुगंधा से भी हमने की इस नए शो के बारे में। दिस इज जियो धनाधन लाइव, एंड मैं ये इजाबेला है, मैं अनाबेला है, मतलब सुगंधा है, अनाबेला है, ये इजाबेला है। हाँ, मैं ये, हाँ, सॉरी, बेला बेला। एंड हम अभी सिंपल बात करते हैं, बहुत अच्छे उनमें बात करने जाती, बात बहुत लंबे हो जाते हैं। हम लोग चीयर गर्ल्स है, चीयर लीडर्स है, हम लोग यहाँ का नहीं है, हम लोग बहुत दूर रशिया से, रशियापुर से आए हैं। रशियापुर पता है, नियर फिरोजपुर, हम वहाँ से आए हैं, और हम लोग यहाँ पे अपना करियर बनाने के लिए आए हैं, रोजी रोटी के लिए आए हैं, चीयर्स करेंगे, बिकॉज रोज शाम को वहाँ अकेला चीयर्स करते थे, यहाँ सबके साथ चीयर्स करेगा, एंड इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हो ही नहीं सकता है। यू नो, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ क्रिकेट का पहली बार मिश्रण हो रहा है ह्यूमर के साथ, and there will be bade bade diggaj log on this platform. We just met the legend Kapil Dev sir. aur fir baat ki Sunil Grover se, sunte hain ki wo hai kitne excited. main to abhi is show ki shuru
शुरुआत होने जा रही है। एक अपने आप में एक नई चीज़ है कि जियो ने लाई है क्रिकेट के साथ साथ कॉमेडी की, और क्रिकेट भी बहुत सीरियस क्रिकेट है पर कॉमेडी भी बहुत सीरियस कॉमेडी है, हम लोग सीरियसली कॉमेडी करने वाले लोग हैं। तो बहुत ही एक अच्छी टीम है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, और कपिल देव सर है तो आज आपने देखा जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और सारे क्रिकेट से जुड़े हुए लोग हैं। कॉमेडी की हमारी अपनी कुछ एक्टर्स की बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा लग रहा है ये कॉम्बिनेशन देख के, नया अनुभव। राजकुमार राव पहुंचे अपनी अपकमिंग फिल्म अमेरता को प्रमोट करने। रानी मुखर्जी पहुंची किड्ज़ेनिया टू फेलिसिटेट द विनर्स ऑफ द कैमलिन हिचकी कंटेस्ट विनर्स। वहीं रानी से जब पूछा गया सलमान खान की सजा के बारे में तो सुनिए रानी ने क्या कहा। शत्रुघ्न सिन्हा ने संगीता बाबानी की आर्ट एग्जीबिशन मेनी पार्ट्स वन डेस्टिनेशन इनॉग्रेट किया, सुनिए इस पर शत्रुघ्न सिन्हा का क्या है कहना। ये संगीता जी के तरफ से बनाई हुई जो पेंटिंग्स हैं इसकी अलग खूबी है, और साथ ही साथ इस बात की और खूबी है विशेषता कि जहांगीर आर्ट गैलरी जो एक प्राइड है महाराष्ट्र का चाहे देश का, और जहां पे शायद महीनों नहीं सालों लगते हैं वो तारीख मुकर्रर होने पर, तारीख पर तारीख पर तारीख बदलते जाती है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ जगह मिलती है, तो आज जो ये इनका जहांगीर आर्ट गैलरी ने जो एक्सेप्ट किया और जहांगीर आर्ट गैलरी में इनकी पेंटिंग्स की जो आज एग्जीबिशन हुई है, मैं समझता हूँ बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, बहुत ही फख्र की बात है। जावेद अख्तर एंड शबाना आजमी ने इनॉग्रेट किया सीमा कोहली का आर्ट शो व्हाट अ बॉडी रिमेंबर्स, जहाँ जावेद जी से हमने की बात। ये प्यार है आपका ऐसा कुछ है वे नहीं, मोहब्बत है आपकी, दोस्त है आप मेरे, तो ऐसी बात कर रहे हैं जी। मैं यही कहूँगा कि मुझे यहाँ आने की बहुत खुशी है, और मैं बहुत अच्छा काम देख रहा हूँ यहाँ, और ये जो पेंटिंग्स हैं ये बड़ी मेहनत से बनाई हुई है, बड़ी डिटेल वर्क है इसमें, और ये इनके अंदर लेयर्स हैं, ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, और मैं बहुत ही बधाई देता हूँ सीमा जी को कि इतना अच्छा उन्होंने काम किया है, और मुझे यकीन है कि इस काम को हर जगह बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा। SS18 कलेक्शन हुआ लॉन्च, जहां पहुंचे कई सेलेब्स, लीजा रे, शिवानी कश्यप, पूनम ढिल्लो, दिया और बादी की संध्या से हमने बात की उनके लुक के बारे में। समर कलेक्शन देखने के लिए आई हूं फिनिक्स मार्केट सिटी में, जो कि हार्पर बाजार मैगजीन ने जो है इसको क्यूरेट किया है, तो डेफिनेटली मेरा लुक भी थोड़ा सा मुझे लगा कि समर जैसा होना चाहिए समरी, और बिकॉज समर अब आ ही चुका है तो मैंने अपना मेकअप भी जो है थोड़ा सा काफ़ी न्यूड रखने की कोशिश की है, और उस तरह से काफ़ी समरी कलर मुझे लगा मैं जिस चीज़ के लिए जा रही हूँ तो वैसा ही थोड़ा समर कलर होना चाहिए, तो और मैं एक्चुअली बहुत पसंद भी करती हूँ समर को, तो आई लव ऑरेंज, आई लव ब्राइट कलर्स जो कि समर्स में काफ़ी अच्छे लगते हैं, येलो ऑरेंज, तो वो कलेक्शन भी देखने में मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ कलेक्शन देखने के लिए, क्योंकि शायद हो सकता है मुझे भी कुछ अपने लिए पसंद आए और मैं उसको यूज़ करूँ। टी सीरीज ने होस्ट की इरफान खान की फिल्म ब्लैकमेल की स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां पहुंचे कई सेलेब्स। अर्जुन कपूर को हमने स्पॉट किया एयरपोर्ट पे, भूमि पेंटकर को हमने स्पॉट किया जुहू के एक सैलून में। सिनेमा प्रीमियर लीग का हुआ लॉन्च, जहां पहुंचे मंदिरा बेदी, सौम्या टंडन, हितेन तेजवानी, करण सिंह, अनीता हसनदानी, सबने की अपनी अपनी टीम्स के बारे में बात। तो फैमिली इंडियन मतलब सब कुछ है उसमें, कोई ये बोल रहा है तो इसको देखो उधर देखो, अच्छा हाँ ठीक है, तो फैमिली इंडियन मेरी टीम है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे फैंस और सब लोग जो देख रहे हैं वो फैमिली इंडियन को सपोर्ट करें, क्योंकि फैमिली में सब कुछ मिलेगा आपको, एंटरटेनमेंट मिलेगा, ड्रामा भी मिलेगा, रोमांस भी मिलेगा, और जो चाहिए आपको, और फैमिली के साथ बैठ के फिल्म भी देख सकते हैं। राजकुमार राव ने स्पेशल इंटरव्यू दिया अपनी फिल्म उमेरता के लिए, सुनते हैं कि आखिर फिल्म में क्या है। फिल्म का नाम है उमेरता, रिलीज हो रही है 20 अप्रैल को, और एक फास्ट पेस्ड एक थ्रिलर है, और जिसकी और कहानी है अहमद उमर सईद शेख की, और ऐसे बहुत सारे लड़कों की एक्चुअली जो यंग एज में डिस्टर्ब होते हैं, गलेबल होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, कैसे उनको ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर उनको टेररिस्ट बना दिया जाता है, तो उमर शेख इन्वॉल्व रहा है जितने भी दुनिया के मेजर इवेंट्स में टेररिज्म के, भले वो 9/11, 26/11, कांधार हाईजैक, डैनियल पर्ल्स, किडनैपिंग एंड किलिंग, उस सब में इसका हाथ रहा है, तो उस लिहाज से बहुत बड़ी कहानी है और एक एक इम्पॉर्टेंट कहानी है कहने के लिए। मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर बनी मालाबार ज्वेलरी की ब्रांड एम्बेसडर, जहां मानुषी से फिल्मों में काम करने के बारे में जब पूछा गया तो सुनिए मानुषी ने क्या कहा। मुझे लग रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे निकल कर किसी ने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा। जैसे मैंने आपको बताया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में भी कि एक साल तक मिस वर्ल्ड की ड्यूटीज होती हैं, and you are supposed to, and you are expected to do that, that's what you signed up for. So ek saal tak
even to take up an endorsement, it was a very long debate for about it, because it's a big thing to do. We want to do it, but to get the whole schedules fixed, because you're always traveling and you have Miss World commitments, so काफी लंबा process रहता है. And film जैसा एक बड़ा project अभी लेना थोड़ा सा, it's quite dicey, you know, क्योंकि you have 1 year when you know all you have to do is be a good Miss World, and I want to do justice to the title that has been given to me. इसलिए अभी तो मैंने तभी उस वक्त भी मैंने फिल्मों के बारे में कुछ बोला नहीं, और अभी भी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि राइट नाउ माई फोकस इज़ कम्प्लीटली ऑन डिफरेंट थिंग्स. ऐसा नहीं है कि मैं सोचती हूँ कि ये मैं शायद ना करूँ या मैं मुझे नहीं करना चाहिए. आई थिंक मूवीज़ आर अमेजिंग एंड वी हैड ग्रेट एक्टर्स टू बी अ पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ अ पूल. आई थिंक इट्स एन ऑनर फॉर एनीवन. पर अभी मैं उसके बारे में सोच नहीं रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकती इनडेफिनेट व्हाट इज़ द प्लान. मानुषी यहाँ. हेलो. अमूमन हर भारतीय परिवार के अंदर एक ऐसा नेकलेस होता है जिसकी एक खानदानी कहानी होती है. क्या आपके घर में भी ऐसा कोई गहना है या ऐसा कुछ है, जरा बताएंगी? जी बिल्कुल, मेरी दादी जी की एक गोल्ड की कंठी है विच इज़ हैंडमेड. तो वो अभी माई मदर हैज़ इट एंड आई डोंट नो हु विल इट बी पास्ड ऑन टू, बट I think every khandan, gold is something that doesn't die. Gold or like jewelry, stones, they don't die. They stay forever. That is why more than monetary value, I think it's when you pass it on from each generation, it carries a lot of emotions. So that's why, you know, even in this campaign, we've depicted through Brides of India, like how jewelry can actually be a symbol of the love that you have for the next generation, for your children, for your family members. So meri dadi ji ki kanti hai. Not very symmetrical, old fashioned hai, but it's beautiful. PepsiCo India unveiled the brand exciting new avatar with Ranbir Kapoor. Ab dekhte hain ki is baar Ranbir kis look mein aayenge nazar. Salman Khan ko Chinkara Hiran ke shikar mamle mein saza mil gayi hai aur unke saath aaropit Neelam, Sonali Bendre, Tabu aur Saif ko bari kar diya gaya hai. Neelam, Tabu, Sonali aur Saif Mumbai laut aaye hain. Humne ki Neelam ke husband Sameer Soni se baat. I think Salman ko thoda injustice hua hai. अगर आप एक वी डिडंट नो व्हाट एक्सपेक्ट, बिकॉज अजीब सा लगता है कि आपने किसी जो विटनेस है उसने 5 लोगों को पहचाना, आप 4 वालों में आपने बात मान ली कि वो गलत है गलत है गलत है, एक बोला ये सही है, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है. सलमान खान को सजा मिलने के बाद हमने सलमान के घर के बाहर उनके फैंस का लिया रिएक्शन. मेरे एक ही कहने का मतलब है, क्या है, हर इंसान गुनाह करता है लेकिन माफ़ी भी करना चाहिए. जो सजा दिया है 5 साल के लिए वो बहुत ज़्यादा है. ये गलत हो रहा है, इतना आरोपी इंडिया में घूम रहे हैं. हाँ. एक केस को लेकर इतना इशू बनाया जा रहा है, ये ज़बरदस्ती वाली बात है. इसके साथ जो थोड़ा रियायत से देखना चाहिए इस केस को. नहीं नहीं नहीं, ये कोर्ट का इतना बहुत लेट आया, उसको बहुत पहले आना चाहिए. दोषी था तो वो इतना हेल्प करता है, इतना गरीबों की मदद करता है, जो गवर्नमेंट करना चाहिए. हम लोग रिक्शा चलाते, कई लोगों को लेके आते कैंसर पेशेंट को, वो 25,000 का 30,000 का कि कोई इंजेक्शन बांटता उसका बाप. जब ये गवर्नमेंट करना चाहिए, गवर्नमेंट का कोई नहीं करती. बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल गलत हुआ, ये इंसाफ नहीं. ज़्यादा लोग गली गली कुछ कुछ मार देते, उनको सजा नहीं होती. एक हिरन मार दिया तो बवाल खड़ा कर दिया. ये सब हुकूमत की चाल है और कुछ नहीं. बट लॉ इज लॉ. अब करते हैं बाय बाय, पर आप कहीं मत जाएगा. इंडस्ट्री की और हॉट एंड हॉट खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करिए बॉलीवुड क्रंच.